दुखी आत्मा, ड्यूक पे लिखा है दुखी आत्मा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है 9th of June 2021 और फाइनली लॉकडाउन ओवर हो गया। सो मौसम देखो यार, आज धूप तो नहीं है पर उमस बहुत ज़्यादा है। और ये रही मेरी एक्टिवा, मेरी बुलेट। तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो आज पहला काम यही करना है कि जल्दी से जाके इसकी बैटरी बुलेट की चेक करा लेते हैं, चार्ज हो जाए या तो नई बैटरी दे दे सर्विस सेंटर वाले। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। एमरॉन की बैटरी है, इसी के सर्विस सेंटर जाना है उसको चेक कराने कि बैटरी ख़राब हो गई है या चार्ज होके सही हो सकती है। और अभी नई बैटरी है, इसको पहली वाली जो बैटरी थी उसको चेंज करा के इसको डाला था। तो अब जल्दी से चलते हैं सर्विस सेंटर और इसको दिखलाते हैं। उमस देख रहे हो कितना ज़्यादा है, पसीने से पूरा भीग गए हैं। सो ये रहा इसका वारंटी कार्ड बैटरी का, एमरॉन। और चलेंगे हम एक्टिवा से क्योंकि भाई ये तो किसी हालत में नहीं है जाने के। एक मिनट। सो इसको खोल, अब बैटरी को रखते हैं डिक्की में। देखते हैं ये सेल्फ से स्टार्ट होती है कि नहीं। हो जाए यार, गया। इसकी भी बैटरी डाउन है लेकिन बेस्ट पार्ट इसका यही है, बैटरी डाउन होने के बाद भी ये किक से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये ऑप्शन हमको बुलेट में थंडरबर्ड में नहीं मिलता। तो स्टार्ट हो गई है। कितने दिनों बाद यार बाइक पे कैमरे के साथ और रोड पे आ गए। सो अब चहल पहल शुरू हो गई है। कल से लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और ज़्यादा अब लोग आ जा रहे हैं, बट वही लोग होंगे जिनको कुछ ज़रूरी काम होगा। जैसे मुझे भी अभी ज़रूरी काम है, अपनी गाड़ी की बैटरी चेक करवानी है, खड़े खड़े खराब हो गई। और बाइक चलाने का, बाइक और स्कूटी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। स्कूटी का अलग मज़ा है, बाइक का अलग मज़ा है। तो आज तीन काम हो गया, तीन काम मेरा एक साथ हो जाएगा। तो पहला तो बैटरी बाइक की चेक हो जाएगी, खराब है कि सही है तो चार्ज होकर वापस मिल जाएगी, नहीं तो फिर एक्सचेंज करेंगे सब बैटरी, नई बैटरी देंगे पहला। दूसरा है कि डेढ़ दो महीने बाद बाइक से बाहर है मोटर ब्लॉक और एक्टिवा ब्लॉक भी कह सकते हैं पहली ब्लॉक। और तीसरा तो मैं ये नया कैम लिया हूँ, एज ए कैम 6 लीजेंड, उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी आज। और इसका माइक सही काम कर रहा है कि नहीं, आवाज़ सही रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। और क्योंकि माइक तो मेरे एकदम मुंह के पास है पूरा, देखते हैं कैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। और लॉकडाउन खुलने का दूसरा दिन और पहली की तरह भीड़ भाड़ शुरू हो रही है। अब ये रोड पर पता नहीं क्या गोल गोल मार्किंग की है लोग।
अपन को जाना है सीधे, ये है मोतीपुर, मोतीपुर चौराहा, और अभी हम जा रहे हैं राजनीगंज की तरफ। बहुत से यार आवाज़ भी सही रिकॉर्ड हो रही हो, गड़गड़ाहट ना हो, विंड नॉइज ना हो ज़्यादा, अगर होगा तो उसका भी कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा और फोन का दो तीन लेयर लगाना पड़ेगा ताकि सही हो जाए। अरे यार थोड़ा ही दिन चले थे, जान लग गया। वैसे यहाँ पूरा हॉस्पिटल का एरिया है तो यहाँ भीड़ रहती है ज़्यादातर। बाटलीगंज से आगे मेरे यार सर्विस सेंटर खुला हो ताकि मेरा काम हो जाए। एक्सयूवी की तो बात ही अलग है, और सेक्सी लगती है ये। अपन आ गए एन एम नर्सिंग होम रोड पे। ये सब जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा हॉस्पिटल वाला एरिया है, नया बिल्डिंग बन रहा है और यहाँ मैक्सिमम जाम ही रहता है। लॉकडाउन खुलते ही जाम लग गया। देखो रोड यहाँ की ना बहुत कोजी कोजी है, मतलब ये पतले पतले रोड है और उसी पे लोग गन्नी कार वो सब लगा देते हैं रोड पे। पार्किंग का यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है तो जाम तो लगना ही है। दुखी आत्मा ड्यूक पे लिखा है, दुखी आत्मा। बहुत ही गए, यही है साफ गली एमरॉन की सर्विस सेंटर वाली। यही, अरे ये बंद सर्विस सेंटर बंद। अरे यार ये लोग क्यों नहीं खुले हैं, खाना बर्बाद हो गया। इसका शोरूम शॉप है वहां देख लेते हैं कि खुली है कि नहीं शॉप। मेरे ख्याल से नॉर्मल रोड वाला ये रास्ता है, रोड का नाम है नॉर्मल रोड, रोड नॉर्मल नहीं है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। बैटरी एमरॉन की बुलेट की ले गए थे यहाँ से तो पूरी डिस्चार्ज हो गई है, वो बाइक ऑन नहीं हो रही है तो बैटरी लाया तो कहाँ शॉप पे गए थे तो वो तारा लगा हुआ है। मंडे को खुलेगी, मंडे खुलेगी, इस वीक नहीं खुलेगी, यहाँ नहीं चेंज हो पाएगा क्योंकि वहाँ फिल्म बनाते हैं ना। अच्छा वहाँ बैटरी लेंगे, चेक करेंगे, वो फिल्म बनाएंगे, उसके बाद बात करते हैं हम लोग के अंदर। तो फिर वहीं से सब बैटरी वैटरी मिलेगी, अगर खराब हो यहाँ नहीं होगी तो यहाँ से मिल मिल जाएगी ना। अच्छा जैसे मेरे पास बैटरी है वहाँ नहीं है तो उसको कागज बना के दे देंगे, यहाँ तो बैटरी मिल जाएगी, लेकिन जो कागजी कार्रवाई वो वहीं होगी। तो मंडे को खुल जाएगी, इसी टाइम खुलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। इसकी भी यार इसकी बैटरी चेक करानी पड़ेगी, बार बार किक मारना पड़ रहा है। हो गई स्टार्ट? हाँ हो गई। तो चलो तीन में से एक काम तो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट मंडे का वेट करना पड़ेगा क्योंकि शॉप वाले बोल रहे हैं अगले मंडे से खुलेगी बैटरी की दुकान जो सर्विस सेंटर है। आज हो गया बुध, चार दिन बाद फिर आएंगे, मंडे को देखा जाएगा अब क्या क्या ही किया जाए। चलते हैं वापस और होप करते हैं कि वॉइस से रिकॉर्ड हुआ हो। और यार वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अब तो यार मोटो ब्लॉग भी होगा। अगर वॉइस सही से रिकॉर्ड हो रही होगी इसको भी स्टार्ट किया जाएगा, इसको भी स्टार्ट किया जाएगा। बस वेट कर रहे हैं कि बुलेट सही हो जाए और
भीड़। ये है अपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी रोड, और कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा पेड़ से ढका हुआ। ऐसे ही रोड होना चाहिए यार, चाहे टू लेन हो या फोर लेन हो, भाई पेड़ होने चाहिए। और इस साल डेढ़ साल से तो कोविड का जो सीन था वो हम लोग को सिखाया गया, देखो लाइफ बहुत कीमती है, अगर जीना है तो भाई पेड़ लगाओ। तो देखो अपने राइट में देखो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी फ्लैग लगा हुआ है लेकिन उतार दिया गया। अभी जहाँ जगह मिले यार, जहाँ रोड खाली हो, जगह हो, वहाँ पेड़ लगाओ। देखो जैसे यहाँ पर रोड चौड़ी हुई थी पहले, यहाँ भी पेड़ था पूरा, लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से काट दिया गया, पेड़ किनारे किनारे है, फिर कटिंग चली रही है और रोड चौड़ा होने के लिए। ये भी पहले ना टू लेन रोड ही था और पूरा पेड़ से घिरा रहता था, फोर लेन हो गया, पूरा पेड़ कट गया। ये बगल में राइट में यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें से पेड़ लगे हुए हैं, और इधर लेफ्ट में है यहीं पर बिहार यूपी की जितनी प्राइवेट बस होती हैं वो खड़ी होती हैं, आधा जगह ये घेर लेती हैं, और उसके पीछे टी डी यू का कैंपस हॉस्टल, उसमें कुछ पेड़ है, आगे पूरा एकदम ओपन, छाँव का नामो निशान नहीं रहता है यहाँ पर। तो ये है रेलवे का एरिया पूरा, रेलवे के ऑफिस है, इंडियन ऑफिस है, कितने भी रेलवे के ऑफिस सब इधर ही हैं। ये पूरा रेलवे का एरिया है, यार बस यही देखना कि आवाज से रिकॉर्ड हुई हो, ज्यादा खटराहट ना हो, एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर, अगर सब बढ़िया रहा तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नया वीडियो मिलेंगे जल्दी। और इनकेस अगर वॉइस क्लियर नहीं रिकॉर्ड हुआ, अच्छा नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो फिर घर पे जाके एक बार चेक करेंगे, और फिर एक छोटे से स्पिन फिर एक छोटे से स्पिन पे निकलेंगे माइक टेस्ट के लिए, सही से रिकॉर्ड हो, और माइक का पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी।